कैसा नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा कनिष्क राव बहुत। कहाँ से आप लोग? मैं बरेली निवासी डोरा गौटिया। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है, हमारी मांग नहीं, हमारे समुदाय समुदाय की मांग है, ये समाज की मांग है कि जो तीर्थ स्थल साकेत नगरी में है, वो तीर्थ स्थल साकेत नगरी में है, वो तीर्थ स्थल इसमें हुआंगशांग और फायान की डायरी को बढ़ा जा सबमिट किया जाए, डॉक्टर बीबी लाल और डॉक्टर कर्णिकम की रिपोर्ट को सबमिट किया जाए जिन्होंने हर मौसम में खुदाई कराई है, जहाँ पर छठी शताब्दी ईसा पूर्व से बहुत सा कोई पूर्व अवशेष नहीं मिला है, उसके बाद में वर्तमान में जो खुदाई हो रही है, हमें आक्रोश है इस बात का, चूँकि उसके मूर्तियों के लिए बुद्ध की मूर्तियों को ध्वंस किया जा रहा है, उनको चूर्ण बनाया जा रहा है। कहाँ पर? वहीं पर अयोध्या में, साकेत में। इसके लिए तत्काल रोका जाए, इस पर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में दिया जाए, और इतिहास के आधार पर इसका जब नाम ही साकेत है, साक के प्लस केत, आप मेरी परिभाषा को समझिए, साक के प्लस केत अपभ्रंश साकेत यानी केत मीन ध्वजा है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ विशाखा की शादी हुई है, हिस्ट्री ऑफ द इंडिया अथा हिस्ट्री ऑफ साकेत, यहाँ विशाखा की शादी होकर के यहाँ पर बुद्ध विहार बनाया गया है। इससे पूर्व वहां पर सिर्फ है तो क्या जंगल है, और इसके बाद में वहां पर बुद्ध विहार बनाया गया है, और सारा उसमें अशोक की लाट प्राप्त हुई है, सारे अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। और फिर एक बात इसमें और कहना चाहेंगे, हम किसी के विरोधी नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्ध कर दिया, आदेश है, मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि रामायण काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, तो फिर ये अच्छा, फिर इसको भी हम नहीं जा रहे हैं, हम ये कहते हैं काल्पनिक है, ऐतिहासिक है, परंतु आप उसे सिद्ध करिए, सिद्ध करिए, भागदास के आधार पर हमें कोई आपत्ति नहीं, हमारे लिए हमारा ये है, लेकिन हमारा हमारा बता दिए क्या मामला है? बता दिए, हमारे लिए ये विशेष तौर से ये कहना है कि जो साकेत नगरी अयोध्या में जो राम मंदिर की जो खुदाई जब हुई, उसमें पूरा के पूरा बुद्ध विहार निकला है, और तथागत सम्यक समूह की मूर्तियाँ निकली हैं, धम्मचक्र निकले हैं, और उनके तमाम अवशेष निकले हैं, इसलिए हमारे लिए कहना है कि साकेत नगरी